भारत न्यूजीलैंड दूसरा टेस्ट मैच। दूसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड की बढ़त 300 के पार। भारत ने पहली पारी में बनाई थी 156 रन। तो क्या भारत न्यूजीलैंड दूसरा टेस्ट मैच के हाईलाइट दोस्तों जानने के लिए बने रही वीडियो अंत तक, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच पुणे में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। भारतीय टीम पहली पारी में 156 रनों पर ऑल आउट हो गई और न्यूजीलैंड ने 103 रनों की बढ़त हासिल कर ली। देन उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम ने दूसरी पारी में 198 रन बना दिए हैं और अभी भी न्यूजीलैंड के 5 विकेट शेष हैं और न्यूजीलैंड की टोटल बढ़त 300 के पार पहुंच चुकी है। टॉम लेथर ने दूसरी पारी में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 84 रन बनाई। उन्होंने 133 गेंदों का सामना करते हुए 10 शानदार चौके लगाई। उनके अलावा विली यंग ने 23 रन और डेरिल मिचेल 18 रन बनाकर आउट हुई। फिलहाल टीम बलेंडर 30 रन और ग्लेन फिलिप्स 9 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। वेस्टर्न सुंदर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके, जबकि 1 विकेट रविचंद्र अश्विन को मिला। भारत के लिए पहली पारी में बात करें तो यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने 30-30 रनों के योगदान दिया, जबकि रविंद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा 38 रन बनाई। उन्होंने 46 गेंदों का सामना करते हुए 38 रन बनाए थे और 3 चौके और 2 छक्के लगाए थे। उनके अलावा कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया और पूरी टीम 156 रनों पर ऑल आउट हो गई, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 198 रन बना दिए हैं, यानी कि टोटल बढ़त 301 रनों की न्यूजीलैंड की हो चुकी है और अभी भी 3 दिन का खेल बाकी है। देखना होगा कि न्यूजीलैंड कितना स्कोर कर पाती है और भारतीय टीम को कितने रनों का टारगेट दे पाती है। आपके अनुसार दोस्तों ये मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी हमें कमेंट में जरूर से बता दीजिएगा, और क्रिकेट से जुड़ी इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। धन्यवाद।